कुवैत में आग में मारे गए भारतीयों के शव को भारत लाने पर बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे के बाद कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि कुछ भारतीयों के शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है और पीड़ितों की पहचान की पुष्टि करने के लिए DNA परीक्षण जारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का एक विमान शव लाने के लिए तैयार है, जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और हमारा वायुसेना का विमान ये शव वापस भारत लाएगा। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुवैत में जिंदा जले 48 लोगों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि उनमें से 42 भारतीय हैं। 6 मंजिला इमारत में बुधवार सुबह रसोई में आग लगी। इमारत में लगभग 200 लोग रह रहे थे और अधिकारियों ने कहा कि कुवैत में ज़्यादातर मौतें नींद के दौरान धुएं के कारण हुई। ध्यान रहे कि कुवैत की कुल आबादी में 21% और कार्यबल में 30% भारतीय है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में आग क्यों लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। घटना की जांच की जा रही है। कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई कि हादसा गैस लीक होने की वजह से हुआ। जांच कर रही टीम ने आग लगने की वजह पता करने के लिए घटनास्थल से कई सैंपल लिए हैं। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर 2 दर्जन से ज़्यादा गैस सिलेंडर रखे हुए थे। आपको बता दें ये पूरे कुवैत में इमारतों में लगी अब तक की सबसे भीषण आग है। वहीं मरने वालों की संख्या के मामले में देश में दूसरी सबसे बड़ी आग है। इससे पहले अगस्त 2009 में जाहरा शहर में एक महिला ने पति की दूसरी शादी से नाराज होकर शादी के तंबू में आग लगा दी थी, जिससे 56 महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई थी। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. The situation is that the victims are mostly are burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48-49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen, Indians.